सारे विश्व में पूरे वर्ल्ड में ऐसी मोटी क्लास कहीं नहीं होती इस तरह से प्रकृति के बीच इतना डिफरेंट है कि बाबा भी और प्रकृति भी साथ में फैल रहा है। प्रकृति का भी कितना बड़ा रोल होता है, एक होता है एक कमरे में बैठ कर सुनना और एक होता है इस तरह से प्रकृति में भी सत्व प्रधान प्रकृति के बीच बैठ कर सुनना, तो कितना भाग्य है, भाग्य है ना, भाग्य। तो हमें क्या करना चाहिए, हम सबको इतनी संख्या में रोज आना चाहिए बोले चले, ताकि फिर क्लास में तो मुरली फिट होगी नहीं, फिर हम रोज की मुरली यहाँ कर सकते, करना चाहिए कि नहीं रोज की मुरली यहाँ पर। कौन चाहता होगा कि रोज यहाँ की मुरली करें यहाँ पर बैठ के, देखो बेनिफिट ये है कि लिफ्ट यूज करना नहीं, 5 फ्लोर ऊपर चढ़ के आना अच्छे से और 5 फ्लोर नीचे उतर के जाना और प्रकृति के बीच बैठकर भगवान की मुरली सुनना, तो 1 घंटे के अंदर आत्मा भी शक्तिशाली, इतनी अच्छी हवा मिली शरीर भी शक्तिशाली और सीढ़ी भी चढ़ के उतर कर गए शरीर को पूरा दिन कुछ भी कर सकते हैं। 1 घंटे में सब कुछ हो गया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ, इतनी सुंदर सीन है और इतनी प्यारी वाइब्रेशंस है। और आज बाबा ने मुरली में क्या कहा कि वृद्धि से वृद्धि बदल जाती है, संकल्प से संकल्प बदल दो और जो चाहो वो सिद्धि कर लो। ये वरदान मैजिक है, ये जो फॉर्मूला भगवान ने दिया है ये मैजिक है कि जो चाहो वो क्या कर लो, सिद्ध कर लो। सिद्ध कर लो मतलब, सिद्ध कर लो मतलब कि आप जो चाहते हैं कि हो आप वैसा सोचो, अपनी वृत्ति एटीट्यूड को वैसा रखो और वो सिद्ध हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा, इट विल मैनिफेस्ट। ये मैजिक है कि भगवान ने इतने साल पहले से दिया, अब दुनिया में भी ये बोलते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो फिर उन्होंने उसको अलग अलग नाम दिए, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर नाम दिया है कि जैसा संकल्प करेंगे वो सिद्धि हो जाएगी। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हम कभी भी गलत संकल्प न करते, क्योंकि उसकी भी सिद्धि होती है। सिद्धि को ये नहीं पता है कि कौन से संकल्प की सिद्धि करनी है, इक्वेशन इज इक्वेशन के संकल्प से सिद्धि होती है। अच्छे वाले संकल्प करो तो अच्छी वाली सिद्धि होगी, कमजोर वाले संकल्प करो तो वो सिद्धि होगी, गलत वाले संकल्प करो तो वो भी सिद्धि होगी। सिद्धि मीन्स जो सोचेंगे और रिपीटेडली सोचेंगे, एक बार सोचा नहीं, रिपीटेडली सोचा तो वो हो जाएगा। अब ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है, मतलब दुनिया में भी कोई अगर बार बार कोई बात सोचेगा ना तो वो हो जाता है उसके जीवन में। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम बार बार वाइब्रेशन कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं। तो जो अगर कोई दुनिया में बार बार सोचे मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार, मेरे घर में ये भी बीमार है वो भी बीमार है, वो बीमार हो जाता है। रिसर्च कहती है कि ज़्यादा एक्सीडेंट किन लोगों के हो जाते हैं जो सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये एक साइंस है कि हम जो ज़्यादा सोचेंगे वो कर्म हमारा बनता जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं तो सोच भी तो कर्म है ना, तो वो हमारा कर्म बनता जाता है, वो कर्म और वो वाइब्रेशन हम रेडिएट करते हैं और वही हमारे जीवन में होता जाता है। ये हर एक के लिए होता है, भगवान के बच्चों के लिए ये और भी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि पावरफुल आत्माएं,
जो रोज बात समय पर जब लोगों को अगर डॉक्टर कहे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज से ये नहीं खाना, तो कहते डॉक्टर ने तो बोला है लेकिन इसके बिना तो मेरा चलता नहीं। तो ऐसी भी दुनिया है। और बाबा के बच्चे क्या है, बाबा ने बोला आज से ये नहीं तो ये नहीं, और कल बोला आज से ये नहीं तो बोला नहीं, तो छोड़ने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगा छोड़ने में, है ना। एक संकल्प, इसको बोलते हैं पावरफुल आत्मा। तो ऐसे करते करते हम पावरफुल हो गए हैं। अब पावरफुल होने के बाद रिस्क बढ़ जाता है। पावरफुल होने बढ़ जाएगा, अच्छा सोचा तो अच्छा होगा, लेकिन अगर गलती से भी गलत सोचा, अगर गलती से भी गलत सोचा तो वो भी हो जाएगा। जैसे एक होता है एवरेज बिजनेस और एक होता है हाई रिस्क बिजनेस। तो हाई रिस्क बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो भी बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो भी लॉस होगा। इसीलिए भगवान के बच्चों को बड़े ध्यान से सोचना चाहिए। और इसीलिए बाबा ने आज कहा संकल्पों से औरों की संकल्प बदल दो, वृद्धि से औरों की वृद्धि बदल दो, और आप जो चाहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए जब हम सबसे पहले दिन सेंटर पर आते हैं, है ना, अपने अलग अलग संस्कार कितने सारे लेकर आते हैं, हर एक के पास बहुत सारे संस्कार वैसे वाले थे। लेकिन जिस दिन हम पहले दिन आते हैं तो बाबा सबसे पहली बात क्या बताता है, बाबा कहता है कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ओम शांति कहा, ओम शांति कहा। पहली वर्ड वही सुनी होगी ना सेंटर पर आकर, पहली बार कोई भी भाई बहन से मिले होंगे तो उन्होंने पहला वर्ड क्या कहा होगा, ओम शांति। तो पहला संकल्प, जैसे पेरेंट बच्चे को सिखाता है, टीचर स्टूडेंट को सिखाती है, तो बाबा हमको सिखाता है। तो फर्स्ट लाइन बाबा ने क्या कहा, ओम शांति, मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम आए थे तो आज हम जितने शांत हैं उतने शांत नहीं थे। किस किस को लगता है हमारी शांति बढ़ गई है यहाँ आने के बाद, क्यों बढ़ी? दुनिया में तो अशांति बढ़ रही है, दुनिया में तो अशांति बढ़ रही है, हमारी शांति क्यों बढ़े? क्योंकि हमने दिन में कई बार ये बोला है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हमने ये नहीं बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा बनने वाली हूँ, ये नहीं बोला कि शांत स्वरूप आत्मा होना चाहिए, हमने कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये संकल्प है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और कितनी बार उच्चारण किया होगा अभी तक, ये गिनती नहीं है, दिन में कितनी बार बोल देते हैं। तो जो संकल्प बार बार किया वृत्ति में आया और वो धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है, सिद्ध होता जा रहा है। फिर बाबा ने अगली लाइन सिखाई, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। एक एक सिखाता गया, हम बोलते गए, सोचते गए, दुनिया में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, टेंशनों को इतनी सी होती है सिर्फ, लेकिन वो बोलते बहुत बार है उसको और सोचते बहुत बार है, कहते हैं वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, सोच सोच के भूल बोल के उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया। इसीलिए जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा। शुरू कितना हुआ होगा ना स्ट्रेस, इतना सा स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन सबने सोचा, सबने बोला, सबने सोचा, सबने बोला, करते 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 वो स्ट्रेस लेवल किधर पहुंच गया, उधर। अभी आजकल कहते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड, तो वो भी बढ़ गया। अब और बोलते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो ये जो वरदान है ना, इसको ऐसे पकड़ना है, ये मैजिक है, ये लिटरली मैजिक है,
कि आप अपने जीवन में जो मिरेकल क्रिएट करना चाहो। बाबा कहता है मैं मिरेकल नहीं क्रिएट करता, बोलता ना बाबा कि मैं मिरेकल नहीं क्रिएट करता, आपको जो कुछ मिल रहा है वो आपके कर्मों का, कर्मों के हिसाब किताब से। मैं आपके जीवन में कुछ ठीक नहीं करने वाला हूँ, मैं आपकी सेहत नहीं ठीक करूँगा, मैं आपके रिश्ते नहीं ठीक करूँगा, मैं आपका बिजनेस नहीं ठीक करूँगा। बाबा बोलता है ना ये तो किसको ठीक करना है, आपको खुद ठीक करना है। तो बाबा कहते हैं मैं मिरेकल नहीं क्रिएट करता, लेकिन बाबा मिरेकल क्रिएट करने का तरीका बता देता है। क्यों बाबा हमारा मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? कर देना, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, करना क्या। भगवान ऐसे ही बोलता है कि मैं कर नहीं सकता, कर तो वो, कर तो वो एक सेकंड में सत्यु क्रिएट करते इस सृष्टि के ऊपर। कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? बच्चों से करवाना चाहिए। अगर उसने एक के भी जीवन में मिरेकल क्रिएट किया तो उसको क्या करना होगा? भगवान है ना, बायस पार्शल नहीं हो सकता। पेरेंट भी ऐसे नहीं होना चाहिए, टीचर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट और टीचर कैसा होता है? जो सबके लिए एक समान। तो पेरेंट क्या करता है, उसके दो या तीन बच्चे हैं तो पेरेंट दोनों तीनों को सब कुछ एक बराबर देता है, उसकी पढ़ाई पर एक बराबर खर्चा करता है, उसको खाना एक बराबर देता है, उसको मकान में जगह एक बराबर देता है। तो पेरेंट सब बच्चों को एक बराबर देता है, फिर आगे किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट ने सबको एक बराबर दिया, फिर किस पर डिपेंड करता है? बच्चे ने उसको, हाँ, तो पेरेंट अपने दोनों बच्चों को सेम स्कूल में भेजेगा, सेम शिक्षा मिलेगी। एक बच्चा कुछ बन जाएगा, एक बच्चा पास होना मुश्किल हो रहा है, तो दोनों का आगे क्या आ रहा है? कर्म। पेरेंट बच्चे का कर्म, पेरेंट बच्चे का कर्म नहीं कर सकता, पेरेंट बच्चे को सिर्फ सब कुछ दे सकता है। आगे क्या करना है? बच्चे ने कर्म। तो भगवान हमारे जीवन में मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर उसने हमारे में जीवन में किया, उसको सबके जीवन में करना होगा। लेकिन वो हमें क्या दे सकता है और क्या देता है मिरेकल क्रिएट करने के लिए? क्या देता है? सबसे पहले तो बाबा हमें मिरेकल क्रिएट करने के लिए ज्ञान देता है। आज का वर्णन क्या है? ज्ञान की पॉइंट है ना, ज्ञान की पॉइंट है। अगर ये ज्ञान की पॉइंट हमें नहीं पता हो तो हम मिरेकल नहीं क्रिएट कर सकते। तो सबसे पहले बाबा हमें क्या करता है? मिरेकल क्रिएट करने के लिए ज्ञान देता है। फिर वो हमारे जीवन में धारणाएं देकर हमारी शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। फिर वो हमें योग की विधि सिखाकर परमात्म शक्ति को अपने जीवन में कैसे लेना है वो सिखाता है। बस उसका रोल उधर तक है कि वो हमें ज्ञान देगा, प्यार देगा, शक्ति देगा। हाँ, अब हमें क्या करना है? उसको लेना है और फिर हमें अपना पुरुषार्थ करना है। अब अगर बाबा ने आज मुरली में कहा कि जो आप संकल्प करेंगे वो सिद्धि होगी, आप अपने संकल्पों से संकल्प बदल सकते हो, वृत्ति से वृत्ति बदल सकते हो। अब हमने ज्ञान की पॉइंट ली और फिर सारा दिन में जाके फिर अगर उल्टा सोचा और फिर उल्टा सोचा तो उल्टी सिद्धि भी हो गई, और वो होने के बाद हमने कहा क्या बाबा आप हेल्प भी नहीं करते थोड़ी, इतना सा बोला था आपको, इतना सा काम करवा दो, मेरा भगवान हो, इतना सा भी काम नहीं कर सकते आप, मेरा इतनी भी मदद नहीं कर सकते। फिर हम उसको बोलते हैं, भगवान का रोल बहुत क्लियर है और भगवान ने हमें हमारा रोल बताया है कि बाबा ज्ञान देगा, प्यार देता और शक्ति देता है। हमें उसको लेना है और अगर हम उसको एक्यूरेटली यूज करेंगे तो हर रोज मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, हर रोज मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। अब अपने जीवन में चूज करो कि आज के वरदान से कौन सी एक चीज चेंज करने के लिए रहेगी।
वरदान का इक्वेशन समझ में आ गया, क्या संकल्प करना है, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हो, हमें संकल्प करना है कि वो हुआ ही है। तो बाबा ने हमें ये नहीं कहा तुम पवित्र आत्मा बनने वाले हो, और हमें भी नहीं बोला कि ये संकल्प करना है मैं पवित्र आत्मा बनने वाली हूँ। संकल्प क्या किया, मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस साल की 31st की मूवी में बाबा ने कहा बाप समान आत्मा हूँ। सोचो, चाहे हम 50 साल पुराने हो, चाहे हम 5 दिन पुराने हो, मुरली अलग अलग नहीं चलती। कोई ऐसा कॉलेज नहीं होगा जहाँ सबके लिए सेम बराबर चलता है। सोचो कि कोई 50 साल पुराना है, कोई 5 दिन बाद आया है, और 5 दिन वाले को भी भगवान कह रहा है आप बोलो कि मैं बाप समान आत्मा हूँ। हो सकता है 5 दिन वाला बाप समान आत्मा हो सकता है क्या? क्योंकि क्लास में तो सभी बैठे होंगे ना, मुरली जब बाबा चलाएगा तो क्लास में तो सभी बैठे होंगे, और मुरली सबके लिए चल रही है, और बाबा बोलता है आप ये संकल्प करो और ये बोलो मैं बाप समान आत्मा हूँ। सुनी थी ना 31st December की मुरली, किसने किया प्रयोग उसके बाद? तो उसने दिया, हमने सुना, हमने कहा मुरली बड़ी अच्छी थी, डायरी में लिखा लेकिन लाइन को यूज नहीं किया। अब आज की मुरली से और आज के वरदान से वो लाइन को जोड़ो कि जो आप संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाए। बाबा तो संकल्प कर रहे हैं हम बाप समान आत्मा, हम नहीं हिम्मत कर रहे करने की। वो कह रहा है आप बाप समान आत्मा हो। क्यों कहता है वो आप बाप समान आत्मा हो? क्योंकि देवी देवता किसके समान है? देवी देवताएं किसके समान है? तो भगवान के साथ नेक्स्ट दुनिया में किसको जोड़ा है? देवी देवताओं को जोड़ा है, और इतना जोड़ा है कि उनको ही भगवान का टाइटल दे देते हैं। पहचानते भी नहीं कि परमात्मा अलग है, देवी देवताएं अलग है, क्योंकि देवी देवताएं परमात्मा के इतने, कोई बच्चा अगर पेरेंट की तरह ही बिल्कुल दिखे, वैसे ही चले, वैसे ही बोले, तो दुनिया कहेंगे पता भी नहीं चलता वो है या वो है। तो वो किसकी तरह बन गया? बाप समान। अब वो दिखने में बनते हैं और हमें कैसा बनना है? वो तो दिखने में बाप की तरह होता है ना बच्चा, हमें कैसे बनना है बाप समान? कैसे बनना है? अपनी प्योरिटी में, है ना? तो अब इस संकल्प को लो और इस संकल्प को रोज यूज करो, बार बार यूज करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, अच्छे से बोलो मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। इसको ले सकते हैं रोज, ये संकल्प को ले सकते हैं रोज, मैं बाप समान आत्मा हूँ। नया हो पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि कोई बहुत पुराना है लेकिन उसने लिया ही नहीं लाइन को, और कोई 5 दिन पुराना है उसने लाइन को ले लिया, और लाइन को ले लिया और रोज उस संकल्प को वही संकल्प किया वही बोला, तो सिद्धि उसकी जल्दी हो जाएगी जो नया आया है। इसीलिए ज्ञान में हम कितने साल से हैं वो तो मैटर ही नहीं करता, वो तो बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि मैं 20 साल से हूँ लेकिन 20 साल के बाद मैंने संकल्प ही गलत करने शुरू कर दिया है, तो मेरा 20 साल से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हो सकता है मैंने कमज़ोर संकल्प कर दिए हो, होता नहीं है, मैंने कोशिश की, मेरा नहीं होता, मेरा ये संस्कार चेंज नहीं होता, मेरी सुबह नींद नहीं खुलती, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैंने संकल्प करना शुरू कर दिया। अब मैं 20 साल से हूँ या 50 साल से हूँ, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सिद्ध क्या होगा? सिद्ध क्या होगा? जो हम सोच रहे हैं। इसीलिए भगवान ने फॉर्मूला दूसरा दे दिया है कि टाइम कितना हुआ ज्ञान में, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। कोई नया भी आकर
सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प कर सकता है, कोई बहुत साल पुराना आकर भी कमज़ोर संकल्प कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पुरुषार्थ कितना एक्यूरेटली कर रहे हैं। तो आज ये लाइन को लेते हैं, मैं कौन सी आत्मा हूँ। आप रेडी ये लाइन को लेने के लिए, क्योंकि इस लाइन में सब कुछ आ जाएगा। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इतनी सारी लाइनें क्यों लेनी है, है ना? इतनी सारी लाइनें क्यों लेनी है, जब बाबा ने उसका मैजिक फॉर्मूला दे दिया कि एक ही लाइन यूज कर लो। मैं कौन सी आत्मा हूँ, पाप स्वामान आत्मा हूँ, उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो वो बाबा बार बार बोल रहा है, तुम हो ना पाप समान, बोलता है ना, तो वो हमें देखता है और वो कहता है, मैंने इनको सब कुछ दे दिया, ये फिर भी मेरे दी हुई चीज़ को क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में बोला था, मैं बैठा हूँ, बच्चे मुझे यूज़ नहीं करते। अब बाबा को कैसे यूज़ करो, बाबा को कैसे यूज़ करो, उसने जो हमें दिया है वो सारी बातों को अपने जीवन में यूज़ करो। अब चेक करो कि कौन से संकल्प हम करते हैं जो सही नहीं है, चेक करो। कोई आता है याद संकल्प जो सही नहीं है, जो आप चाहेंगे नहीं कि वो सिद्ध हो जाए, लेकिन हम करते हैं, कौन से संकल्प करते हैं ऐसा, चेक करो। बहुत सारे चेक करो, कौन से संकल्प हम करते हैं जो सिद्ध नहीं होने चाहिए। तो स्पेसिफाई विच वन, आप एक बताओ, देखो सबको याद आ जाएंगे अपने अपने वाले सारे, कौन से संकल्प हम करते हैं बताओ, बोलो बोलो। अरे बहुत सारे, एक ढूंढना क्या मुश्किल है अभी। हाँ बताओ, कौन से संकल्प हम करते हैं, कमजोर संकल्प। हाँ अच्छा, वो बदलते नहीं, हाँ वो ज्ञान में आते नहीं, कितना कोशिश किया वो आते ही नहीं, वो इस घर के हैं ही नहीं, वो बाबा के हैं ही नहीं। अब बोलो, और बोल कर क्या करते जाओ, बोलो और सोचो, और सोच और बोल करके क्या करते जाओ, सिद्ध करते जाओ। अब इसको चेंज करो, बताइए अब लाइन क्या होगी, बोलो बोलो क्या लाइन है। अब तो इजी है ना करना, बिल्कुल, अब ये बहुत इजी है, ये बहुत मैजिक वाली बात है सारी, अब इसको इजी करो, बताओ क्या सोचना है। वो बाबा का बच्चा, देखो बन रहा है, बन जाएंगे, बनने चाहिए। बाबा ने आपको आकर बोला था, आप पवित्र आत्मा बन जाएंगे, बन रहे हैं, बनने चाहिए, नहीं बोला था ना, वो सीखना है। क्या बोला था लाइन, बाबा ने उस दिन मुरली में बोला, बाप समान बनना चाहिए, बन जाएंगे, बन रहे हैं, नहीं, क्या बोला, बाप समान आत्मा है। अब हमें क्या बोलना है उनके लिए, वो बाबा के, बोल लो अच्छे से, वो बाबा के बच्चे हैं, वो सत्योगी आत्मा, वो आपके सामने बैठकर गलत खा पी भी रहे होंगे ना, आप एक ही संकल्प करना, संकल्पों से संकल्प बदलेंगे, वृत्ति से वृत्ति बदलेगी, सिद्धि हो जाएगी। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके इसको रिजल्ट में लाने की है। एक दो बार ला लिया ना तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ जाएगा, और तब पता चलेगा ये तो हमारे हाथ में मैजिक वाला फॉर्मूला था, हमने इस फॉर्मूला को यूज ही नहीं किया। तो अब सबके लिए क्या बोलना है, वो कौन है, वो बाबा के बच्चे हैं ही, होने चाहिए, आने चाहिए, आते नहीं है, नहीं, ये एक एक लाइन उनको बाबा से क्या कर देती है। आप सोचो ना, आप बार बार किसी के लिए सोचो, ये है ही नहीं, ये ज्ञान में है ही नहीं, ये ज्ञान में है ही नहीं, ये सेंटर आता ही नहीं, ये मुरली सुनता ही नहीं,
इसीलिए दुनिया में कहते हैं देवी देवताओं के श्राप से डरो और बचो। दुनिया वाले लोग देवी देवताओं के वरदान को उतना याद नहीं करते जितने देवी देवताओं के श्राप को याद करते हैं। कहता श्राप ना लग जाए, जिसको श्राप लग गया वो तो कौन से, यही तो श्राप है ना सारा का। ये श्राप नहीं है किसी के ऊपर, ये तो ज्ञान में है ही नहीं, ये तो मुरली आता ही नहीं है, ये तो सेंटर आता ही नहीं है, कितना भी समझाओ ये तो समझता ही नहीं। ये श्राप है क्योंकि पावरफुल आत्माएं बोल रही है, पावरफुल आत्माएं बोल रही है। तो आज से हमने क्या बोलना है, वो ज्ञान में है। कौन कौन है ज्ञान में, बाबा के कौन कौन है, कौन कौन है, सिर्फ घर वाले नहीं, कौन कौन है। तो जब हम सकाश देते हैं, विश्व को वाइब्रेशन देते हैं, तो भी संकल्प ध्यान से देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए आ जाओ बन जाओ, बोलो आप हो ही। अब ये संकल्प अगर जाएगा कि आप हो ही, तो फिर उन्होंने बन ही जाना है। अगर हम बोलेंगे बनो तो ना बनो का भी ऑप्शन है। बाबा क्या बोलता है, बाबा कहता है हुआ ही पड़ा है। बाबा कभी नहीं बोलता होना चाहिए। भाषा, ये भाषा है, भाषा में ही सारी विधि है। बाबा कोई भी कार्य के लिए क्या बोलता है, हुआ ही पड़ा है। कहाँ हुआ पड़ा है, कुछ हुआ तो पड़ा नहीं होता उस टाइम, कुछ नहीं हुआ पड़ा होता। एक नया सेंटर बनाना है, एक नया कैंपस बनाना है, बाबा नहीं बोलता हो जाएगा होना चाहिए, बाबा बोलता है हुआ ही पड़ा है। जब वो बोलता है हुआ ही पड़ा है तो वो बन जाता है। अगर हम बोल देंगे होना चाहिए, होता तो अच्छा होता, लेकिन लग तो नहीं रहा कि हो सकता है, बट कोशिश करके देखते हैं, बाबा ने तो ये एक एक संकल्प डा, चलो नेक्स्ट चेंज करो। और क्या चेंज करना है, उनके लिए चेंज कर लिया, और क्या चेंज करना है, सोचो। फॉर्मूला है, आज डाल देंगे तो हो जाएगा। और कोई लाइन चेंज करनी है अपने लिए, कुछ भी नहीं चाहते कि होना चाहिए लाइफ में, क्या चाहते हैं सोचो। अपने लिए क्या सोचा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ। औरों के लिए क्या सोचा, ये सब बाबा के है ही, सत्योगी आत्मा है ही। और बताओ क्या सोचना है, हाँ प्रकृति के बारे में क्या सोचना चाहिए, प्रकृति के बारे में। देखो क्या होता है, प्रकृति कोई भी परिस्थिति, शहर, देश, दुनिया, कोई भी चीज़ होती इतनी है, लेकिन पहले तो वो सारी दुनिया तक खबर नहीं पहुंचा करती थी, तो चीज़ें इतनी होती ना तो इतनी पर रुक जाती है। अब क्या होता है, हो इधर रही होती है, उतनी देर में सब तक बात पहुंच जाती है। जैसे ही सब तक बात पहुंच जाएगी, सबके संकल्प, सबकी बातें, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, इस शहर का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, बोलते 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 उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं। तो प्रकृति भी फिर डे बाय डे क्या होती गई। और तो बाबा ने क्या संकल्प दिया हमें, प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, प्रकृति को भी कौन सा संकल्प दे रोज, प्रकृति को हमें कैसा बनाना है, प्रकृति को हमें कैसा बनाना है, हमें प्रकृति को सत्व प्रधान बनाना है। तो हमें संकल्प रोज क्या देना चाहिए कि प्रकृति सत्व प्रधान है, वेरी गुड। शरीर को क्या बनाना है, शरीर को क्या बनाना है, सत्योगी शरीर को क्या बोलते हैं, सत्योगी शरीर को क्या बोलते हैं, निरोगी, निरोगी कंचन काया। कब बोलेंगे, सत्युग में या अभी, सत्युग में तो बोलेंगे नहीं है ना, सत्युग में तो कोई बोलेगा नहीं मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो वो लाइन कब के लिए है,
अभी, ये नहीं बोलना ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ये भी है मुझे, वो भी है मेरे को, ये भी बीमारी है, मेरा ब्लड प्रेशर भी ऐसा है, मेरा शुगर भी ऐसा है। जैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वो वैसा होता जाएगा। तो रोज़ अपने शरीर के लिए संकल्प क्रिएट करो, मेरा शरीर कैसा है। लास्ट वर्ड सबसे ज़्यादा अंडरलाइन करना है, लास्ट वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लास्ट वर्ड ही सारा गड़बड़ करता है। इसीलिए दुनिया में कहते हैं मंत्र ठीक से बोलो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए लोग मंत्र बोलने से भी डरते हैं, क्योंकि बोलने में अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो गलत सिद्ध हो जाता है फिर वो। मंत्र मन संकल्प, मंत्र क्या है, एक संकल्प लिया और उसका बार बार क्या किया, बार 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 उच्चारण किया तो सिद्ध हो जाता है। तो मेरा शरीर निरोगी कंचन काया वो है, होना चाहिए नहीं बोल देना, कभी नहीं बनेगा फिर। वो लास्ट वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोलना वो है जो हो चुका है। ये शरीर को अगर आप बोलेंगे आपको निरोगी कंचन काया होना चाहिए, वो बोलेगा हाँ होना तो चाहिए, मुझे भी मालूम है बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन मैं हूँ नहीं, तो वो नहीं बनेगा। तो हम शरीर को क्या मैसेज देंगे, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। सारा कुछ जो सत्युग में चाहिए वो किसने बनाना है, वो हमने बनाना है। कब बनाना पड़ेगा, अभी। सत्युग में जाके तो बनाना नहीं है उसको, प्रकृति को सत्युग में जाके सत्व प्रधान करना नहीं है, तो बनाना कब है, अभी। तो बनाएंगे कैसे, संकल्प से। तो इजी, मैं कौन सी आत्मा हूँ, औरों के लिए क्या सोचना है, प्रकृति के लिए क्या सोचना है, शरीर के लिए क्या सोचना है, और कोई बात चेंज करनी है, और कोई बात चेंज करनी है। अब इसको डे टू डे में लेकर आओ, घर में कोई भी बात, किसी के अंदर कोई आदत, बच्चों के अंदर कोई आदत, वह आदत है। हम सब भी अपनी सारी आदतें लेकर आए थे, लेकिन भगवान ने कौन सी लाइन बोली, बोला पवित्र शक्तिशाली आत्मा हो। हम घर में जाके क्या बोलते हैं, आप ये करते रहते हो, आप सारा दिन यही करते रहते हो, आप जो भी समझाओ आपकी तो आदत ही बदलती नहीं, आप हो ही ऐसे। बाबा अगर ऐसा बोलता ना, हम जो थे ना उससे भी ज़्यादा क्या हो जाते, क्योंकि वो वही बोलता वही सोचता तो वही सिद्ध हो जाता। जो आदत दिख रही है, जो आदत दिख रही है वो नहीं सोचना बोलना है। जो आदत, फॉर्मूला क्या है, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना बोलना है, जो देखना चाहते हैं मतलब जो सिद्धि चाहते हैं वो सोचना बोलना है। तो जब हम उनसे बात कर रहे हैं, जब हम उनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ऐसे ही मम्मी पापा इतनी बार बोल देते हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, एक जगह बैठते ही नहीं है, जब देखो टीवी देखते रहते हैं, जब देखो बाहर भाग जाते हैं, पढ़ेंगे नहीं तो इनका होगा। एक संकल्प भी इतना रिस्की है, हम तो इतने सारे क्रिएट कर देते हैं, और फिर इतने सारे क्रिएट करने के बाद फिर हम कहते हैं पढ़ता ही नहीं है। तो वो सिद्ध किसने किया, वो सिद्ध किसने किया। अब इसको चेंज करो कि वो पढ़ते नहीं है, चेंज करो, चेंज करो, पढ़ता नहीं है कभी नहीं बोलना, सोचना भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना है, सिद्ध हो जाएगा। देखो हमारे पास पावर है, रियलिटी ये है। देखो इस समय दुनिया की रियलिटी क्या है कि कलयुग है, रियलिटी क्या है, घोर कलयुग है। अगर बाबा सारा दिन बोले घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, तो वो घोर कलयुग क्या हो जाएगा, और घोर कलयुग हो जाएगा। लेकिन घोर कलयुग को भी बाबा ज्ञान से सत्युग बनाता है, तो हम न पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाना नहीं शुरू कर सकते क्या, संकल्प से कर सकते या नहीं कर सकते। लेकिन हम कौन सा संकल्प करते हैं, जो हमें दिख रहा है, जो दिख रहा है वो संकल्प नहीं करना है, जो देखना चाहते हैं वो संकल्प करना है। शरीर अभी बीमार है, रियलिटी है वो बीमार है, लेकिन जो है वो नहीं सोचना है, जो है वो नहीं सोचना है, जो सिद्ध करना चाहते हो वो सोचना है। ब्लड प्रेशर अभी हाई है तो
तो है, लेकिन हाई नहीं रखना है उसको। अगर हम कहेंगे आई हैव हाई ब्लड प्रेशर, तो तथास्तु, डॉक्टर भी बोलता है जीवन भर रहने वाला है, क्योंकि वो सिखाता ही नहीं है कि आप बोलो कि मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, लो मत बोल देना गलती से, लो हो जाएगा। इसीलिए मंत्र ध्यान से बोलना, ये नहीं बोलना मेरा ब्लड प्रेशर लो है तो फिर वो लो हो जाए। संकल्प शरीर को पहुंच रहा है, संकल्प शरीर को पहुंच रहा है। हम जो सोचते हैं वो मैसेज हमारी बॉडी को मिलता है, हम जो सोचते हैं वो मैसेज लोगों को मिलता है, हम जो सोचते हैं वो मैसेज प्रकृति को मिलता है, हम जो सोचते हैं अपने बारे में वो मैसेज यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो जो दिखता है वो नहीं सोचना है। आज बाबा ने बोला है आपके संकल्पों से सेंटर बड़े हो जाएंगे, सेवा बढ़ जाएगी, भंडारी आ जाएगी। ये तो यूज़ करने की बात है ना, मैजिक, मैजिक है ना। तो संकल्प करते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ। तो पढ़ता नहीं है कि जगह क्या बोलेंगे, भाषा परिवर्तन है, ये भाषा परिवर्तन है, संकल्प परिवर्तन है। पढ़ता नहीं को चेंज कीजिए, करो ना, अभी तो बहुत इजी हो गया। पढ़ता नहीं है को क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा पढ़ता है। एक जगह बैठता नहीं है, बाबा के बच्चों की भाषा ज्ञान वाली भाषा होनी चाहिए। खाना खाता नहीं है, खाना खाता नहीं है, ये वाली सब्जी तो खाता ही नहीं है। आप सोचो हम कैसे इसको मैनिफेस्ट करते हैं। हम बना रहे होते हैं और बनाते बनाते उसमें डाल देते हैं, लेकिन ये खाता तो है ही नहीं, खाता तो है नहीं। मैंने बना तो दी है लेकिन मालूम है मुझे ये खाता नहीं है। कोई और बोलता है खा लेगा ना, कहते नहीं खाता, वो कभी नहीं खाता है। ऐसा सब अच्छे से एनर्जी डाल के फिर उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं बैठ अभी ये खा, तो वो खाने वाला नहीं है। जब वो नहीं खाता है तो हम कहते हैं मुझे तो पहले से ही पता है कि वो नहीं खाने वाला था। हम ये नहीं जिम्मेवारी लेते कि मैंने वो संकल्प करके उसको सिद्ध कर दिया है। तो हर लाइन को चेंज कर सकते हैं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, धन में कोई ऊपर नीचे हो रहा है, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है। क्या सोचना है, जो देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो दिख रहा है वो सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और दिखेगा। क्योंकि इक्वेशन क्या है एनर्जी की, संकल्प से सिद्धि है। तो सपोज अभी मुझे दिख रहा है कि मेरे शरीर में इतनी बीमारी है, ठीक है, तो वो इतनी है, लेकिन इक्वेशन क्या है, संकल्प से सिद्धि है। तो अब मैंने अगर थॉट क्रिएट की मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मेरा ये दर्द हो रहा है, तो संकल्प से सिद्धि हो रही है। तो जो वो बीमारी थी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तमो प्रधानता है, भोजन में बहुत कुछ है, शरीर में कुछ भी हो सकता है अचानक, लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। तो कोई भी बात हो शरीर में, हमें हमेशा कहना है मेरी बॉडी कैसी है, मेरी बॉडी कैसी है, निरोगी कंचन काया, हेल्दी भी नहीं, हेल्दी तो कलयुग का वर्ड है, हेल्दी तो कलयुग का वर्ड है। कलयुग वाले तो हाई ब्लड प्रेशर हाई, इसको भी हेल्दी बोलते हैं आजकल, कहते ये तो नॉर्मल है ना, तो इसको हेल्दी, हेल्दी वर्ड नहीं बोलना है, निरोगी कंचन काया, जो सत्योगी भाषा है ना उसको डालना है, क्योंकि हमें वैसे बनाना है हर चीज़। अब अगर घर में कोई भी बात है, कभी आजकल देखो समय अलग अलग है ना, कभी बिजनेस में ऊपर नीचे होता है, कभी जॉब में ऊपर नीचे होता है, कभी धन में ऊपर नीचे होता है, तो हम ऐसे भाषा यूज़ कर लेते हैं कि कमी है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा, पैसा जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और होना चाहिए, कैसे घर चलेगा, ये सारी भाषा क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी ये सारी भाषा, फिर ये बोलेंगे तो फिर यही सिद्ध होता जाएगा। दुनिया में आजकल लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, तो और बिजी होते जा रहे हैं।
क्योंकि उच्चारण करते हैं सारा दिन उस लाइन का, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इतनी बार उच्चारण तो वो किसी भी लाइन का नहीं करते सारा दिन में। और जितना उच्चारण करते जाते हैं उतना वो बिजी और होते जा रहे हैं। हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कितना टाइम है, कितना टाइम है, बहुत है। और धन कितना है हमारे पास, सिर्फ बहुत, जितना सोचोगे उतना ही आएगा। आज बाबा जी बोले आप संकल्प करोगे तो भंडारी भर जाएगी। उसने तो प्रैक्टिकल में दे दिया सारे एग्जाम्पल, आज एक वरदान के अंदर जीवन जीने का तरीका है पूरा। तो धन कितना है, अनगिनत। हाँ, वेरी गुड। सी, सोचने की कोई लिमिट थोड़ी है, सोचने में जितना छोटा सोचना चाहो उतना भी सोच सकते हो और जितना ऊंचा सोचना चाहो उतना भी ऊंचा सोच सकते हो। तो हर चीज के लिए जीवन में भरपूरता लाने हैं, भरपूरता। कोई भी चीज के लिए जीवन में कमी का एटीट्यूड नहीं क्रिएट करना। टाइम कम है, सेहत कम है, धन कम है, ये कम कम बोलते बोलते वो और क्या होता जाता है। आज का फॉर्मूला, संकल्प से भंडारी भरेगी। सिर्फ सेंटर की भंडारी भरेगी क्या संकल्प से, सिर्फ सेंटर की भंडारी भरेगी संकल्प से? नहीं, बाबा ने इक्वेशन दे दिया, आप संकल्प क्रिएट करेंगे धन आ जाएगा, आप संकल्प क्रिएट करेंगे लोग आ जाएंगे, आप संकल्प क्रिएट करेंगे सेंटर आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम घर जाके संकल्प क्रिएट करेंगे और बड़े मकान बन जाएंगे। लेकिन हमें अपनी एनर्जी को राइट यूज करना है, ऐसा नहीं कि हम इच्छाएं बढ़ा रहे हैं, ये ध्यान रखना है, इच्छाएं नहीं बढ़ा रहे लेकिन जीवन का हर संकल्प सही क्रिएट कर रहे हैं। सही संकल्प करने से क्या होगा, आत्मा की शक्ति। सही संकल्प क्रिएट करने से क्या होगा, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। संगम युग किस लिए है, आत्मा की शक्ति को एक 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 संकल्प से। आत्मा की शक्ति कोई ऐसे 10 से 100 पे नहीं जाती है, कैसे जाती है, वन वन थॉट। एक एक संकल्प आत्मा की शक्ति को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, हम इसलिए नहीं क्रिएट कर रहे ये थॉट कि मेरे को बड़ा मकान चाहिए, नहीं, लेकिन मुझे संकल्प सही क्रिएट करना है। क्योंकि अगर मैंने संकल्प क्रिएट किया घर बहुत छोटा है, पूरे नहीं आते हैं, मुश्किल बड़ी है, तो घर बदले न बदले आत्मा की शक्ति पक्का क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। तो हमें क्या करना है, संतुष्टता लानी है। और संतुष्टता मतलब हर संकल्प कैसा होगा, हर संकल्प कैसा होगा, भरपूर, मेरे पास भरपूर है। छोटा या बड़ा मकान के साइज से नहीं होता है, छोटा या बड़ा हमारी सोच से होता है। 20-30 साल पहले लोग छोटे मकान में रहते थे, लेकिन एक मकान में कितने लोग फिट हो जाते थे, होता था ना। आज क्या हुआ, लोगों के घर बड़े हो गए लेकिन सोच उसी प्रपोर्शन में क्या होती गई, छोटी। इतने बड़े घर में रहते हैं और बोलते हैं स्पेस इज नॉट इनफ, नॉट इनफ, नॉट इनफ। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं हम तो इसके आधे घर में रहे थे, और आधे घर में भी हम कितने लोग पूरे आए थे, क्योंकि उनकी सोच अलग थी। जैसे जैसे कलयुग में आत्मा की शक्ति घटती जा रही है, सोच गलत होती जा रही है, और जब सोच गलत होती जाएगी तो उसका डायरेक्ट असर भाग्य पर आ जाता है, क्योंकि कर्म से भाग्य बन रहा है। तो हमारी सोच किसी चीज के लिए भी, कितना भी बड़ा आपके जीवन में प्रॉब्लम आया, बड़ा तो बढ़ाते बड़ा प्रॉब्लम, आपकी सोच उस प्रॉब्लम से ऊपर होगी तो वो प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम चली जाएगी। प्रॉब्लम ठहरती तब है जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम की तरह सोच के उस प्रॉब्लम को अपने जीवन में बिठा लेते हैं। प्रॉब्लम है, क्या होगा, इतनी बड़ी बात आ गई है, अब कैसे करेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये ठीक होगा गे, लेकिन बाबा ने बोला तो है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कुछ कल्याण होगा, लेकिन पता नहीं इस कल्याण। तो एक ज्ञान की लाइन भी डालते हैं बीच में, फिर उसके बाद 6 दूसरी वाली लाइनें डाल देते हैं, फिर 10 दिन का बाद बोलते हैं बाबा ने बोला था अच्छा है, लेकिन अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ब्लेम फिर से किस पे डाल देते हैं, उस पे।
अपने संकल्प। तो जब बाबा बोलता है ड्रामा कल्याणकारी है, मतलब एक ही थॉट क्रिएट करनी है, ड्रामा कल्याणकारी है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद अपनी पांच थॉट्स नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि एक वो थॉट है और पांच अपनी है, तो फिर क्या होगा, बैलेंस शीट में -4 ही आएगा ना। क्योंकि वो अच्छी वाली थॉट एक दो बार क्रिएट करते हैं और दूसरी वाली थॉट कई बार क्रिएट करते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं हैं, बात भी करते हैं। जैसे ही हमने अपने संकल्पों को बोल में ले आए तो क्या हो जाएगा, जैसे ही अपने संकल्प को बोल में ले आए तो वो संकल्प अब किसी और के मन पे भी रखते हैं, फिर औरों ने भी वही बोलना है, औरों ने भी वही सोचना है, और फिर वो जीवन में आई हुई बात क्या होती जाएगी। हमें अपनी भाषा ऐसी श्रेष्ठ बनानी है कि हमारे घर में जो हमारे संग रहते हैं, हमारे ऑफिस में जो हमारे संग रहते हैं, हम उनकी भी भाषा को चेंज कर देंगे। वो बोलेंगे ना घर में कोई, नहीं पता नहीं, बोलो ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि ये हुआ ही पड़ा है, इस सीन में हमारे परिवार के लिए बेनिफिट है ही है। वो बोलेंगे नहीं इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बोलो बेनिफिट तो है ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलना होता है। ये है निश्चय, और निश्चय कब होगा, जब हमने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके उसका रिजल्ट अपने जीवन में देख लिया, फिर तो कितनी भी बड़ी बात आ जाए। कल क्या हुआ, कल एक प्रोग्राम में काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन था, तो सभी ऐसे बैठे थे, तो ऐसे ही संकल्प कर रहे थे कि इस जगह के लिए क्या संकल्प करें, तो ऐसे संकल्प किया कि यहाँ से जो गुजरेगा ना उसका अंदर आने का मन कर जाएगा, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है और साथ में सुपरमार्केट है, तो सोचो कितने लोग आएंगे। अब लोग बाहर से नहीं देख के जाना चाहिए, उसके अंदर देखते ही क्या होना चाहिए, थॉट आना चाहिए कि मुझे अंदर जाना है। तो ऐसे ही बात कर रहे थे, यहाँ से जो गुजरेगा उसका अंदर आने का मन कर जाएगा। एग्जैक्टली 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे मेरे को लगता है, वो उस एरिया की कॉरपोरेटर आ गई अंदर, और स्टेज पे आके वो अपनी भाषा में बोल रही थी, मुझे तो नहीं समझ में आया, लेकिन वो बहन बोलती है, वो बोल रही है कि वो यहाँ से गुजर रही थी, उसको आने का मन कर गया, एंड शो दरवाज़ा खोला, अंदर वॉक इन कर गई। ये है संकल्प से सिद्धि। हम ये भी संकल्प कर सकते हैं कि यहाँ से जो गुजरेगा वो अंदर आ जाएगा। हम ये भी संकल्प कर सकते हैं, बनाया तो है, अब देखो कब लोग आते हैं, पता नहीं कितने लोग आते हैं, कोई आएगा भी या नहीं आएगा, अंदर आएंगे या बाहर से ही चले जाएंगे, ये संकल्प। तो जैसा सोचेंगे, अब आज अपनी सारी सोच को चेक कर लेना है, और इसको इतना एक्सपेरिमेंट करना है कि बोलते बोलते भी गलत लाइन अगर बोल दी ना, तो रुक के उस लाइन को फिर से चेंज करना है। क्योंकि हम एक छोटे से बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, कौन से बच्चे को सिखा रहे हैं, इसको, तो ये अपनी पुरानी भाषा बोलेगा, बोल भी दिया ना, तो रुक के क्या करना, चेंज करना, फिर रुक के चेंज करना। जैसे बच्चा गलत बोलता है तो हम उसको क्या करते हैं, फिर से बोलो, फिर वो फिर से गलत बोलता है, बोलते फिर से बोलो, छोड़ थोड़ी देते हैं उसको, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया वो जीवन भर उस शब्द को गलत बोलता रहेगा। तो हम मेहनत करते हैं उस पर, तो जितना हम उसके ऊपर भाषा के लिए मेहनत करते हैं, उतना हमें अपने ऊपर संकल्प पर, सोच के लिए, बोल के लिए बनाना है। 4-5 लाइनें अपनी फिक्स कर लो, रोज सारे संकल्प नहीं हो सकते, 4-5 लाइनें फिक्स कर लो जिसको हमें बार बार बोलना है, क्योंकि ये एक संकल्प से सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध तब होता है अगर वो वाला संकल्प बार बार क्रिएट किया जाए, और बार बार इतना क्रिएट किया जाए कि दूसरा वाला संकल्प फिर, मैं, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है, ये एक बार बोलने से नहीं हो सकता, लेकिन ये इतनी बार बोलेंगे कि ये वाली सोच आए नहीं कि मैं बीमार हूं। तो हमें वो वाले संस्कार को क्या करना है, संगम युग किस लिए है, संस्कार परिवर्तन। संस्कार किससे बदलेगा, सोच और बोल से। तो अब 4-5 लाइन बना लो अपने लिए। पहली लाइन कौन सी, मैं कौन सी आत्मा हूँ, बाप समान आत्मा, उसमें सब कुछ आ गया। मैं सत्युगी आत्मा हूँ,
क्योंकि इस समय हमें कलयुग के प्रभाव से अपने आप को क्या करना है, बचाना। मैं संगम युगी भी अभी बोलना, क्या हुआ संगम युग बोलते बोलते बहुत साल हो गए, अभी तक संगम युग पे ही है। फिर बोलते सत्ययुग आएगा कब, सत्ययुग आएगा ही नहीं जब तक हम सोचेंगे और बोलेंगे नहीं कि मैं सत्ययुगी आत्मा हूं। क्योंकि हम अभी क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सत्ययुग आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा सत्ययुग, आता कैसे है सत्ययुग, सत्ययुग कैसे आता है, संकल्प और संस्कारों से ना। फिर हम बाबा को पूछते हैं बाबा सत्ययुग कब आएगा, फिर बाबा हमसे पूछता है बच्चे सत्ययुग कब आएगा, तो इसकी डेट कौन फिक्स करता है, सत्ययुग किसको लाना है, बाबा का सत्ययुग लाने में रोल क्या है, ज्ञान, ज्ञान दिया, शक्ति दी, प्यार दिया। सत्ययुग बनाना उसका रोल नहीं है, सत्ययुग बनाने का तरीका देना उसका रोल है। अगर भगवान ने सत्ययुग बनाया हो तो हमारी जरूरत क्यों थी उसको, वो क्या बोलता है मेरे बच्चे ही तो बनाएंगे ना, और तो कोई बनाने वाला नहीं है। बनाने का वो सब क्या दे देता है, तरीका, लेकिन वो सत्ययुग को मैजिक से नहीं बनाएगा। सत्ययुग कैसे बनना है, संस्कार परिवर्तन से। जब तक हम कहेंगे हम संगम युग पर हैं, तो संगम युग पर कहने से क्या होता रहता है, संगम युग पर कहने से क्या होता रहता है, हम सारा दिन में कभी कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, क्योंकि हमने कहा हम उस लाइन पर हैं बीच में, बॉर्डर पे खड़े होना ज्यादा देर, ज्यादा देर बॉर्डर पे खड़े होना बहुत बहुत, सोचो ना एक लाइन है, सपोज आपके दो घर हैं जुड़े हुए हैं, बीच में एक लाइन है सिर्फ, और आप उस लाइन पे ही खड़े हैं, उस लाइन पे ही खड़े हैं, तो कभी ना कभी गलती से तो हाँ इधर उधर होते जाएंगे ना। एक मुरली में बाबा ने कहा था देश के बॉर्डर पे खड़े रहे अगर, तो अगर दूसरी तरफ पैर चला गया तो जीवन भर के लिए क्या बन जाते हैं, क्या होता है दूसरे देश के बॉर्डर में क्रॉस करके चले जाओ तो क्या होता है। अब चेक करो, हम दिन में कभी कभी कलयुग में जाते हैं, हम दिन में कभी कभी कलयुग में जाते हैं, कौन कौन जाता है कलयुग में बीच बीच में, जाते हैं ना, कैसे जाते हैं, सोच कलयुग वाली हो जाती है, बात करने का तरीका कलयुग वाला हो जाता है, व्यवहार में कलयुग आ जाता है, कुछ कुछ चाहिए होता है, मतलब कलयुग है ये सब कुछ। जब ऐसा है तो मन बुद्धि से हम कौन सी साइड पे चले गए, कलयुग में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि हम इतने साल से बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। कलयुग में अगर नहीं जाना है उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें सत्ययुग में शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो देयर इज नो अदर वे। अगर हम संगम युग के बॉर्डर पे ही खड़े रहे और कलयुग की फोर्स क्या होती जाएगी डे बाय डे, कलयुग की फोर्स क्या होती जाएगी डे बाय डे, क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन डे बाय डे क्या होती जा रही है, और भारी होती जा रही है, और इम्प्योर होता जा रहा है। कलयुग में ईर्ष्या बढ़ गई, कलयुग में डर बढ़ गया, कलयुग में चिंता बढ़ गई, कलयुग में गुस्सा बढ़ गया, तो हमारे अंदर भी कभी ईर्ष्या आ रही है, कभी चिंता आ रही है, कभी डर आ रहा है। फिर हम कहते हैं मैं रोज मुरली सुनती हूँ, रोज योग करती हूँ, अभी भी डर लग रहा है, अभी भी चिंता हो रही है, क्यों, क्योंकि हम वो साइड पे खड़े हैं। जब वो साइड पे खड़े होंगे तो वहां की हवा का असर तो आना ही आना है, इसलिए अब हम संगम युग से शिफ्ट होते हैं। बाबा ने बोल दिया आज संकल्प करोगे सिद्धि हो जाएगी, तो हम कौन सी आत्मा है। अभी कोई भी वर्ड में संगम युग नहीं डालना, अभी हर चीज में वर्ड कौन सा डालना, सत्ययुग, क्योंकि वो शब्द का भी महत्व है। क्योंकि इस दुनिया की हर चीज में कौन सा शब्द है, वो कलयुग की दुनिया की है। अगर हम उसको चेंज करके उसमें सत्ययुग करेंगे तो उस चीज की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ। शरीर कैसा है, निरोगी कंचन काया है। घर कैसा है, अब अपने घर को एक वरदान दो,
घर कैसा है, घर कैसा है, सोचो सोचो, जो सोचना है वो बनना है, इसलिए डिसाइड करो घर कैसा है। हाँ, पैलेस है। सिर्फ पैलेस मतलब साइज वाला पैलेस नहीं, पैलेस मतलब क्या है, मतलब वर्ड क्या है, क्या है हमारा घर, क्या है, हाँ हाँ, मंदिर भी नहीं, हमारा घर स्वर्ग है, मेरा घर सत्युग है, सत्युग बनने वाला नहीं है। तो जब सत्युग है बोल दिया तो कोई भी प्रॉब्लम तो, कोई भी प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती, निर्विघ्न जीवन तो रहना ही। बाबा ने मुरली में कहा है अंत समय में हर गली में सेंटर होगा, अंत समय में हर गली में सेंटर होगा। अब आप सोचो कैसे हर गली में सेंटर होगा, इतनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे क्या कि हर गली, दुनिया अंत की तरफ हो गई तो हम क्या हर गली में प्रॉपर्टी थोड़ी खरीदेंगे उस टाइम पे। तो क्या मीनिंग है उसका, अंत समय हर गली में सेंटर होगा। वेरी गुड। तो जब हमें ये बात पता है तो हमने तैयारी शुरू की उसकी, तैयारी। तो हमारा घर क्या है, सेंटर है। तो सेंटर में कैसा होना चाहिए, अब ये सिर्फ सोच से बन जाएगा सेंटर। अगर उसको सोचते हैं मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, तो वो घर ही रहता है। फिर सेंटर पर आते हैं, कहते हैं ये बाबा का सेंटर है, ये बाबा का सेंटर है। अब है वो भी मकान, है वो भी मकान, यहाँ भी चार लोग रहते हैं, वहाँ भी चार लोग रहते हैं, यहाँ भी खाना बनता है, वहाँ भी खाना बनता है, लेकिन एनर्जी अलग है, एनर्जी अलग है। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं कहता ये मेरा घर है, यहाँ रहने वाला भी नहीं कहता कि ये मेरा घर है, वो क्या बोलते हैं ये बाबा का सेंटर है, ये बाबा का सेंटर है। हम घर जाके बोलते हैं वो बाबा का सेंटर है, ये मेरा घर है। अब उस रहते हुए क्या बोलना, ये क्या है, ये बाबा का सेंटर है, ये परिवार बाबा का है, और हम उस सेंटर के कौन हैं, फिर हम उस सेंटर के कौन हैं, अपने परिवार के लिए भी ना संकल्प ध्यान से क्रिएट करना चाहिए। जितना उस परिवार के लिए हम संकल्प करते हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ये हैं, तो मेरे करने से हम उनको किससे जोड़ रहे हैं, सिर्फ हम अपनी शक्तियों से जोड़ रहे हैं, अपने पास शक्ति कितनी है देने के लिए उनके पास, तो वो भी उनकी भी किससे कनेक्शन जुड़ती जाएगी फिर हमारे से। सेंटर पे जो दीदियाँ रहती हैं वो कभी नहीं बोलेंगी ये मेरे भाई बहन है, वो क्या बोलेंगे ये सब कौन है, ये सब बोल बोल के बना देते हैं हमारे को, बोल बोल के बनाते हैं ना। वो कोई आएगा बोलेगा आप मेरी बहन, बोले नहीं नहीं हम सब किसके हैं, बाबा। तो अपने से नहीं जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे वो बाबा से। तो वो बोलते हैं ये बाबा का सेंटर है, और यहाँ सारे जो आते हैं वो कौन है, ये बाबा के। ये दो लाइन पकड़ लो और ये दो लाइन को घर ले जाओ कि मेरा घर नहीं है, ये क्या है, ये बाबा का सेंटर है, और यहाँ सारे जो रहते हैं वो कौन है, ये बाबा के बच्चे हैं। सोचते जाओ सोचते जाओ, उनको बोलना भी नहीं ये बात। तो बच्चा आपको आके बोले मैं आपका बच्चा हूँ, नहीं आप मेरे नहीं हो, तो ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन हमें वैसे उनको बोलना है कि ये परिवार किसका है, भगवान का है, हम सब किसके बच्चे हैं, उसके। और संकल्प में तो एक बार भी नहीं लाना है कि ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हमारी चॉइस है हम उनको किससे कनेक्ट करना चाहते हैं। वो जिससे कनेक्ट होंगे उनको उतनी पावर मिलेगी। अपने से जोड़ोगे अपनी पावर मिलेगी, अपनी पावर तो अभी ज़्यादा है नहीं, खींच ली अगर किसी ने तो अभी ख़त्म हो जाएगी बैटरी। जब हमसे कोई जुड़ता है तो उसके मन की स्थिति अगर ऊपर नीचे होती है ना, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन किस पर आता है, हमारे पर आता है, हमारी स्थिति भी डाउन हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा, ना किसी से नफरत ना किसी से ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि दोनों चीज़ें शक्ति को क्या करती हैं, इसलिए सबसे क्या डिटैच्ड। तो सब किसके हैं, बाबा के हैं। हर संकल्प में अगर उनके लिए सोचा ना, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर है, बाबा का भोग है, ये बाबा का भोग खा रहे हैं,
बाबा और सत्युग ये दो वर्ड अगर डाल दिए हर चीज के अंदर, तो हर चीज की वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? बाबा और सत्युग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी स्थिति क्या होती जाएगी बोल बोल के? बाबा और सत्युग। ये हो गया तो संस्कार परिवर्तन हो गया और सृष्टि परिवर्तन हो गया। तो चार पांच लाइन ले लो, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, शरीर कैसा है? निरोगी कंचन काया। चौथी लाइन, ये जगह क्या है? बाबा का सेंटर, घर भी नहीं बोलना, घर वर्ड में भी घर वाली एनर्जी आती है, तो ये बाबा का सेंटर। और ये सब कौन है? ये बाबा के बच्चे। मेरा जीवन कैसा है? सत्युगी जीवन। चार पांच लाइन चूज कर लो, और अगर लाइफ में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आई हुई है तो उसकी लाइन डाल दो उसके अंदर। सुबह उठते गुड मॉर्निंग बाबा कह के सेकेंड लाइन, ये पांच लाइन बोल देना, पांच, क्योंकि सुबह सुबह की प्रोग्रामिंग है ना, सुबह सुबह की प्रोग्रामिंग है, ये पांच बोल दो, कर सकते हैं? और बोलते हुए उसको देखो भी साथ में, तो योग कि जो हम संकल्प कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं कि ये बाबा का सेंटर है, ये सारे बाबा के बच्चे हैं, मेरा शरीर सत्योगी निरोगी कंचन काया है। पांच लाइन, जितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल करो, जितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल करो, पांच लाइन सोच लो, हो सकता है। तो बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरपूर, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं बाप समान आत्मा हूँ। नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कब वो एक मिनट शुरू होता है और कब वो एक मिनट ख़त्म होता है, और हम जो सोच रहे थे पहले वही सोचते हुए ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हो जाता है। तो अपने माइंड को ट्रैफिक कंट्रोल के लिए स्पेसिफिक संकल्प दे देने चाहिए, तो मन को भी आदत पड़ जाएगी कि जब वो गीत बजा मुझे ये पांच लाइन बोलने हैं। तो ऐसे करते करते वो पांच लाइन क्या होती जाएगी? नहीं तो ट्रैफिक कंट्रोल आ रहा है, जा रहा है, बज रहा है, जा रहा है, हम बैठ भी रहे हैं लेकिन इधर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने उतना फास्ट फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो जो वो वन मिनट से पहले चल रहा होता है ना, वही वो वन मिनट में माइंड में आ जाता है। तो हमें अपने मन को ट्रैफिक कंट्रोल के लिए स्पेसिफिक संकल्प दे देने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खाना खाते समय बाबा को याद करते हैं, अपने भोजन और पानी में वो वाले पांच संकल्प ज़रूर डालने हैं, क्योंकि वो भोजन कहाँ से आया है? कलयुगी दुनिया से आया है, भले हमने खुद बनाया है लेकिन आया तो है ना बहुत सारी एनर्जी से। और पानी कहाँ से आ रहा है? वो भी कहाँ से आ रहा है? कलयुगी दुनिया से। अगर पानी ऐसे ही पी लिया तो उसमें जो वाइब्रेशन थे वो यहाँ जाएंगे, यहाँ गए तो सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए मुख में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, अब मुख में कुछ भी नहीं जाना चाहिए बिना उसकी एनर्जी को चेंज किए। अब वो खाना पानी कलयुग से आ रहा है तो हमें उसको कौन सी लाइन डालनी है कि ये खाना कौन सा है? ये सत्युगी भोजन है। आज बाबा ने शब्द का करेक्शन बताया कि ब्रह्मा भोजन बोलना है, ब्रह्म बोल दिया तो भी गलत, शब्द। तो ये सत्युगी भोजन है। पानी क्या है? ये सत्युगी अमृत है। जैसे एक संकल्प उसमें डाला तो हमने उस पानी को कलयुग से क्या कर दिया? सत्युग में कन्वर्ट कर दिया। कर सकते हैं हर चीज मुंह में डालने से पहले? जो हम मुंह में डाल रहे हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो हम कान से सुन रहे हैं, इसको अगर ध्यान रख लिया, संस्कार परिवर्तन इमीडिएट। लेकिन सोचा कुछ और, फिर सुना पढ़ा खाया कुछ और, फिर सोचा कुछ और, फिर सुना पढ़ा खाया कुछ और, परिवर्तन नहीं होता, एवरेज पे चलते जाते हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने बोला कुछ भी गलत ना देखना, नहीं सुनना, नहीं सोचना, नहीं बोलना, नहीं। तो हमें ध्यान रखना है। तो कुछ भी मुँह में डाल रहे हैं, क्या क्या मुँह में डलता है सारा दिन में? भोजन डलता है, पानी डलता है, और क्या डलता है? फ्रूट डलता है, और क्या डलता है? दूध डलता है, गुड, और क्या डलता है? दवाई, कोई ना कोई दवाई डल रही होगी।
अब वो दवाई में तो पक्का डाल देना कि ये निरोगी कंचन का है मेरा शरीर। अगर नहीं डाला तो दवाई खाते खाते ओहो दवा का टाइम हो गया, खत्म ही नहीं होती ये दवा, इसके साइड इफेक्ट भी कितने हैं। लाइन डाल देते हैं, साइड इफेक्ट हो जाता है, फिर बोलते हैं ये दवा के साइड इफेक्ट है। वो दवा के साइड इफेक्ट नहीं, संकल्पों के साइड इफेक्ट है। वो ही दवा अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर करती है, डिपेंडिंग ऑन हमने संकल्प कौन सा डाला था। तो कर सकते हैं हर चीज़ मुख में जाने से पहले, कर सकते हैं इजी। कब से? आज से। अगर खाते खाते पीते पीते भी याद आ गया ना, रुकना है, रुकना है, डालने हैं वो पांच लाइन, फिर शुरू करना है पीना पानी। बाकी ये सारा कुछ 8-10 दिन का खेल है। 8-10 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद अंदर कुछ जाना ही नहीं है बिना उसके। लेकिन वो 8-10 दिन हमें थोड़ा सा अटेंशन, खाते खाते याद आ जाएगा रुक जाओ फिर से डालो, पीते पीते याद आ जाएगा रुक जाओ फिर से डालो, सिर्फ दवा फिर से नहीं खाना, बाकी सब कुछ फिर से रुक के। फ्रूट उठा लिया खा लिया, ड्राई फ्रूट उठा लिया चलते फिरते खा लिया, चलते फिरते जार खोला कुछ खोला खा लिया, नहीं जा सकता अंदर कुछ भी। अंदर कलयुग के वाइब्रेशन का गया तो स्थिति कलयुगी बन जाती है। तो हर चीज जो मुख में जा रही है उसके अंदर सत्युग का संकल्प डाल के, बाबा का संकल्प डाल के फिर ही अंदर खाना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ खाना खाने के टाइम याद करते हैं। खाना तो 3 बार ही खाते हैं और सारा दिन में इतना कुछ खाते पीते हैं, तो फिर वो असर। और खाना भी खाते से पहले कर लेते हैं और खाना खाते खाते क्या कुछ और सोच लेते हैं और बोल लेते हैं, तो वो भी तो खाने में जा रहा है ना। खाने में सिर्फ स्टार्टिंग का संकल्प थोड़ी जाएगा, कोई भी संकल्प। तो बड़ा ध्यान रखना है जो भोजन खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब कुछ ग्रहण कर रहा है। और बाहर की बातें सुनना पड़ना, दुनिया में क्या हो रहा है ये हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं, हम नेक्स्ट दुनिया बनाने के जिम्मेवार हैं। अगर दुनिया की बातें ज़्यादा अंदर जाती हैं तो वाइब्रेशन किससे कनेक्ट हो जाता है? कलयुग से। हमें वाइब्रेशन किससे कनेक्ट करना है? सतयुग से। तो अटेंशन, मुरली रोज़ सुनने आते हैं? कौन कौन रोज नहीं आ पाते क्लास, उठा लो हाथ अच्छे से। अच्छा जी, कारण? सुबह के टाइम हाँ, तो फिर हम एक बार भी नहीं आएंगे। भगवान मिला, भगवान मिला, हाँ मतलब लॉटरी मिली, इन कैश नहीं की। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि। जब तक हम ये सोचेंगे कि मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती, संगम युग खत्म हो जाएगा, हम नहीं आ सकेंगे, हम नहीं आ सकेंगे। हर एक जो मुरली क्लास आता है उसके जीवन में परिस्थितियाँ हैं, हर एक जो आता है उसके घर बच्चे हैं, हर एक जो आता है उसको डब्बा बनाना है, हर एक जो आता है उसको नौकरी करनी है ना, हर एक ने करनी है। लेकिन वो संकल्प क्या करते हैं उस पर सब डिपेंड करता है। हफ्ते में एक दिन आने से शक्ति, इस समय तो दिन में एक बार आने से भी शक्ति पूरा दिन रही तो कमाल, क्योंकि बाहर का वातावरण क्या कर रहा है। लेकिन हम ये सोचे कि हम हफ्ते में एक दिन आकर इतनी बैटरी चार्ज कर लेंगे कि बाकी 7 दिन वो टिक जाएगी। संकल्प करो, संकल्प करो कि मैं मुरली, लिखना बाद में, पहले बताओ लाइन क्या है। मैं मुरली रोज चेक करो, मैं मुरली रोज
बोलो बोलो, मैं मुरली रोज सेंटर आके क्या? देखो अभी आप संकल्प ठीक नहीं करोगे ना, घर जाके मुश्किल होगा फिर फॉर्मूला। बोलो अच्छे से, मैं मुरली रोज बच्चों के लिए डब्बा कब बनाना है, कितनी जल्दी उठना है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ उसके लिए क्या ज़रूरी है? हिम्मत का एक कदम। वो हिम्मत का एक कदम क्या होता है? संकल्प। संकल्प भगवान मिला और उसका अगर यूज़ नहीं उठाया ना, तो ये सबसे बड़ा, कम से कम 3 महीने के लिए, 4th महीना बाद में सोचेंगे, 3 महीने के लिए रोज़ मुरली क्लास आ जाओ। चेंज आता है कुछ तो आगे करना, नहीं चेंज आता है तो पुरानी आदत पे जाने में थोड़ी टाइम लगता है कोई। 3 महीने रोज, कौन रेडी है संकल्प करने के लिए आज 3 महीने रोज? क्या करना है? थोड़ा जल्दी उठना है, खाना थोड़ा जल्दी बनाना है, डब्बा थोड़ा जल्दी पैक करना है। अरे उसने बोला है, काम करेंगे, कहना मानेंगे, इतनी शक्ति भर जाएगी। भगवान की शक्ति को यूज़ करो। वो अगर कलयुग को सतयुग बना सकता है तो घर के काम तो अपनी सोच को छोटा नहीं रखना कि सुबह ये है शाम को ये है तो मैं नहीं जा सकती, थर्सडे थर्सडे है ठीक, जीवन भर थर्सडे थर्सडे जाते रहेंगे। कब चेंज करना है? कब चेंज करना है? कब चेंज करना है? आज से। मैं इसलिए बोला इधर मुरली क्लास होनी चाहिए, मतलब हम सारे आएंगे। संकल्प करो, भगवान ने डील दिया है, तुम मेरा कहना मानो, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। इस डील को यूज़ करो। अपने बच्चों को संभालने की हमारे पास कोई ताकत नहीं है, उसके ऊपर समर्पण करेंगे, वो ऐसा संभालेगा और ऐसा बनाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके बच्चे ऐसा भी बन सकते हैं। आज के समय में बच्चों को सिर्फ खाना नहीं खिलाना है, उनके पास खाना वाना सब अच्छा है, यहाँ की शक्ति नहीं है उनके पास। तो हमें जब रोज़ हम सेंटर पर आएंगे तो अपने अंदर भगवान की शक्ति को भरेंगे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलने वाला है? सिर्फ शरीर को शक्तिशाली नहीं बनाना ना उनके, उनके मन को भी शक्तिशाली बनाना है। तो वो कैसे करेंगे? खुद में शक्ति भर के। कोई भी कारण, दुनिया का सबसे बड़ा कारण भी हमें मुरली में आने से नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। बाबा बोलते हैं बीमार हो तो स्ट्रेचर पे आओ, लेकिन मुरली आओ। कोई मीनिंग है ना इस बात का? मीनिंग है इस बात का, मीनिंग यह है कि जीवन में कोई भी बहाना नहीं बनाना मुरली नहीं आने के लिए। इसकी लाइन क्यों, क्यों बाबा ने इतने सारे सेंटर खोले? क्यों बाबा को इतना ज़रा बड़ा मकान देने की ज़रूरत थी? छोटा था ना अच्छा, क्यों मकान इतना बड़ा दिया? ताकि हम सब आए। आने में ही बेनिफिट है, आने में ही बेनिफिट है, हमने तो अभी वो बेनिफिट देखा ही नहीं है। वो तो सबसे बड़ी माया तो वो ही है, इस समय की सबसे बड़ी माया तो वो ही है। मैंने मुरली सुन ली, मैंने मुरली पढ़ ली, जब मुरली किसी चीज में नहीं आती थी ना, और मुरली तब सेंटर की दीदी दिया भी नहीं करती थी, आजकल तो सब फोटोकॉपी करके रख लेते हैं, वो समय बेस्ट था। मतलब 103 बुखार में भी हम मुरली गए हुए हैं सेंटर पे, शहर में कर्फ्यू लगा होगा हम मुरली गए हुए हैं सेंटर पे। अब सोचते हैं तो लगता है पागल थे, कैसे उठ के जा रहे थे, लेकिन वो इतना बेनिफिट था, इतना बेनिफिट था उसके अंदर कि मन कभी संकल्प ही नहीं कर सकता था कि मुरली नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए जीवन में, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, मुरली तो जा, क्योंकि मुरली थी नहीं ना, मुरली थी नहीं, तो अगर गए नहीं तो मिलेगी नहीं, और अगर मिली नहीं तो फिर हमारी मुरली उस दिन की क्या हो गई? तो वो जो धारणाएं थी ना,
और लोगों ने तो कमाल किए हैं उस टाइम, लोग पैदल पैदल इतना इतना चल के आए, शरीर का ध्यान ये सब जो किया ना, उसका बल मिलता है आत्मा को, बहुत बल मिलता है। अब तो वो ताकत नहीं दिखती। हाँ, मैंने टीवी पे देख ली, सुबह मैंने चैनल पे सुन ली, और फोन तो चलता फिरता हमारे साथ है। मुरली कोई सुनने की चीज नहीं है, मुरली बनने की चीज है। जब तक हम इस संगठन की एनर्जी में आकर नहीं मुरली अंदर फिट करेंगे, हम मुरली बन नहीं सकते। हम सिर्फ टिक कर सकते, मैंने मुरली सुन ली। सेंटर पर आने के बाद भी सारा दिन में आपसे कोई पूछे आज मुरली में क्या आया था, कितना याद रहता है। और घर में सुनने के बाद अगर कोई पूछे आपको कि मुरली में कब आया था, गारंटी है आधे घंटे के बाद कोई पूछ ले कि मुरली में क्या आया था, नहीं याद रहेगा। तो वो भी फर्क नहीं पड़ता, मुरली की पॉइंट्स नहीं याद रहे वो भी फर्क नहीं पड़ता, मुरली ताकत है। जब हम यहाँ आते हैं, मुरली सिर्फ शब्द नहीं है, संगठन, बाबा, बहने, सेंटर की एनर्जी, ये एक पावर है। अगर घर बैठ के हो सकता तो इतने स्कूल क्यों बने? बच्चे भी घर बैठ के इंटरनेट पे पढ़ाई पढ़ लेते ना, वो स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि जब तक वो स्कूल जाएंगे नहीं, वैसी पर्सनालिटी बन सकती नहीं। तो वो जो शुरू का एक नशा, एक पागलपन, हमारे को लोग तब पागल कहते थे, इतने बीमार नहीं जी, सेंटर जरूर जाना है। और बड़े कॉन्फिडेंटली हम उनको कहते थे, हम सेंटर होके आएंगे ना तो जो बुखार वगैरह ना सब उतर जाएगा। सोचते गए, बोलते गए, और वो होता भी गया फिर। लेकिन शुरू में तो लोग पागल ही कहते थे, इसीलिए तो लोग अभी तक बोलते ना ब्रह्मा कुमारी, तो वो पागल ही बेनिफिट है। पागल मतलब इधर उधर का वीक थॉट नहीं कोई क्रिएट करता, एक ही संकल्प करता है और उसी दिशा में चलता है, जीवन में कोई बहाना आने देता नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा, हिम्मत का एक कदम आपका, बाकी हजार कदम मेरे। वो हिम्मत का एक कदम सिर्फ एक थॉट है, और कुछ हिम्मत का कदम भी नहीं करना है, सिर्फ एक संकल्प, मैंने तो मुरली आना ही आना है। उसको बोल दो आज, मैंने तो मुरली आना ही आना है, बाकी सब कैसे देखना है वो आप देखना, मैंने तो मुरली आना ही आना है। और आप देखो कैसे मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। हमारी वीक थॉट्स हैं ये कि मुझे ये भी करना है, मुझे इधर भी जाना है, मुझे मुरली आना ही आना है। ऐसे भी लोग हैं जो 3-3:30 बजे उठते हैं, योग करते हैं, फिर पूरे घर का काम करते हैं, फिर बच्चों का डब्बा बनाते हैं, खुद का डब्बा बनाते हैं, मुरली क्लास पहुंचते हैं, मुरली से वहां से भागते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, पूरा दिन नौकरी करते हैं, शाम को आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, लेट सोते हैं, लेकिन फिर सुबह 3:30 बजे उठते हैं। ऐसे भी है, ऐसे भी है। ये सारा खेल तो क्या होता है, थोड़े दिन की आदत चेंज करने का। इसलिए कमजोर संकल्प करके अपने भाग्य को गवाना नहीं। भगवान के महावाक्य है, अंत समय में दुनिया को तो पश्चाताप होगा ही होगा, ये भगवान आया हमको पता नहीं चला, लेकिन उससे ज्यादा बुरा किसको लगने वाला है? मुझे पता चला लेकिन मैंने यूज नहीं किया। जिनको पता ही नहीं चला तो उनके तो ठीक है, पता ही नहीं चला, उनको तो उतना ही बुरा लगेगा ना, मुझे पता ही नहीं चला। हम कहेंगे मुझे तो पता चला लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया। तो बाबा बोलते हैं खून के आंसू रोएंगे, मतलब कितना बुरा लगेगा। तो 3 महीने का करते हैं सर, 3 महीने कर सकते हैं? कौन 3 महीने एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी है? बाबा बोलता है हाथ भी उठा लो तो भी हो जाता है काम। किस पे निश्चय नहीं, अपने पे या बाबा पे? बाबा पे है, बाबा पे है, अपने पे छोड़ दो, बाबा पे है। तो थॉट क्रिएट करो, बोल दो मैं आ रही हूँ और हाथ उठा लो, उठाओ। चलो आप सब उनके लिए ताली बजाओ कि उन्होंने हाथ उठा लिया। और अब हम सब संकल्प करेंगे, हम सब संकल्प करेंगे कि हम सब, हम ये नहीं संकल्प करेंगे कि मैं रोज मुरली क्लास आऊंगे, हम संकल्प क्या करेंगे, हम सब रोज मुरली क्लास आते ही हैं। और फिर रोज देखो इस क्लास को ऐसा भरा हुआ,
फिर देखो बाबा क्या करेगा उसके बाद, कहते और वो इतने सारे बच्चे आ गए मेरे, तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा इनके लिए, फिर वो और पड़ा। लेकिन जब रोज़ ऐसे आते हैं, बाबा बोलता है मुरली आने में सेवा है, हमें देखकर और आते हैं। पता है जब सेंटर का संगठन होता है ना, अगर सेंटर में आने वाले शुरू शुरू के लोग कहते बहुत काम है आ नहीं सकते ये, तो जो नया आता है ना उसको भी वही थॉट्स मिलते हैं, हाँ ज्ञान तो अच्छा है, बाबा भी अच्छा है, बट मेरे घर में बच्चे हैं, मुझे डब्बा बनाना है मुझे, तो वो भी चला जाता है। अगर हम मेहनत करके आते हैं, त्याग करके आते हैं, तो एनर्जी कौन सी हो जाती है, बहुत काम है लेकिन हम आते ज़रूर हैं यहाँ पे, तो जो अंदर आएगा ना नया, वो कहेगा मेरे को भी बहुत काम है लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यहाँ आना ज़रूर है, तो किसके संकल्पों का असर पड़ा। इसलिए हमारी एनर्जी से सेवा, संकल्पों से संकल्प, वृत्ति से वृत्ति बदल के सिद्धि करनी है। संकल्प करो कि रोज मुरली क्लास इधर होगी, संकल्प करो कि हम रोज मुरली क्लास इधर करेंगे, कर सकते हैं? सुबह सुबह 1.5 घंटा अच्छी हवा मिल गई, ज्ञान तो मिला मिला लेकिन ऐसे बैठे बैठे इतने अच्छे हाई लेवल पे अच्छी हवा में कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अंत समय है, जितने भी पहले के हमारे केयरलेसनेस थी उसको अब हमें क्या कर देना चाहिए, एक तो मुरली क्लास कभी मिस करनी नहीं, सेंटर पर, सेंटर के अलावा और कोई मुरली नहीं होती है, बाकी सब सेकंड टाइम मुरली के लिए बना था, वो फर्स्ट टाइम मुरली के लिए नहीं बना था, वो मुरली रिविजन के लिए बना था। अगर सेंटर पर आए बिना मुरली हो सकती तो बाबा को इतने सारी प्रॉपर्टीज लेने की क्या ज़रूरत है, कोई रीज़न होगा ना, और प्रॉपर्टी तो मिल गई, इतनी सारी बहनें क्यों सरेंडर करवाए और उनका ध्यान रखे, कोई रीज़न है, क्योंकि उसके बिना स्थिति आगे बढ़ती नहीं। तो संकल्प करो कि हम रोज़ मुरली क्लास आते हैं, आएंगे नहीं आते हैं। दूसरा, भोजन की परहेज, ये वो समय नहीं है जहाँ अपने भोजन में थोड़ी सी भी बाहर बहुत लोगों के मन बड़े दुखी परेशान अशांत है। ये नहीं बोलना मैंने बस चावल खाया, मैंने बस इतना खाया, मैंने बस उतना खाया, उतने खाने में भी वाइब्रेशन है। ये दो चीज़ें होती हैं जिसमें हम थोड़ा सा ढील ढाल करते हैं, ढील ढाल नहीं करना है, स्ट्रिक्ट। बाबा ने कहा है समाप्ति, किसी और ने नहीं कहा है, बाबा ने शब्द यूज़ किया समाप्ति। किस चीज़ का समाप्ति, ये सब जो हमारा आलस्य आलबलापन है ना, जो ढील दी हुई है हमने अपने आप को, उसकी समाप्ति करो, क्योंकि अभी भी नहीं किया तो एंड में क्या हो जाएगा, फिर वातावरण ही सहयोग नहीं देगा, इतने नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाएंगे, हम श्रेष्ठ संकल्प कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा एंड में फिर टू लेट होगा। अभी के समय के लिए बाबा ने कहा है समय को वरदान है, 2 साल पहले मुरली में बाबा ने कहा समय को वरदान है। समय को वरदान मतलब अपने लिए पुरुषार्थ के लिए सोचो हो जाएगा, सेवा के लिए सोचो हो जाएगा, समय को वरदान है। आगे वाला समय के लिए बाबा ने कहा है टू लेट, मतलब तब संकल्प करना भी चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, टू लेट। तो ये टू लेट वाला समय बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, दिख रहा है ना सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है, इसलिए अभी तक नहीं भी किया तो अभी से क्या कर ले। आज तो सेंटर का बर्थडे भी है ना, आज सेंटर का बर्थडे भी करने वाले हैं ना हम, तो सेंटर को बर्थडे पे गिफ्ट दे देते। दीदी आप रोज़ मुरली यहाँ रेडी कर रहे हैं, रेडी है ना, रेडी है ना, देखो कितने सेंटर होंगे जहाँ इतना बड़ा जगह मिला होगा मुरली क्लास करने के लिए। तो बाबा ने हमें वो भी दिया तो किसी रीज़न से दिया है। फिर आज शाम को जितने लोग आएंगे प्रोग्राम में वो कौन है, बाबा के बच्चे हैं, सत्युगी आत्मा है। आज सुबह से उनको वो वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दो, हर एक जो आ रहा है आप बाबा के बच्चे हो, आप सत्युगी आत्मा हो, आप इस प्यारे से परिवार का हिस्सा हो। सारे आएंगे, शाम को भी आएंगे, कल सुबह भी आएंगे, सबको सिर्फ क्या करना है, संकल्प भेजना है।
कौन कौन आज शाम को सेवा पर है? सारे हैं। तो हमें सेवा कैसे करनी है? बिल्कुल एंजल्स की तरह। लोग जो सुनते हैं देखते हैं वो भूल जाते हैं, याद क्या रहता है? जो अनुभव करते हैं। तो ऐसी स्थिति बनाओ जैसे फरिश्ते सिर्फ चल रहे, मुख से कम ते कम बोलना। हड़बड़ हड़बड़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें सारे कैसे होने चाहिए? बिल्कुल फरिश्ते। लोग आए और कहें ये सारे एंजल्स हैं यहाँ पे, हमें उनको ये नहीं बोलना है सत्युग आने वाला है, हमें बोलना है हमारा सत्युग अभी चल रहा है। कैसे दिखाएंगे सत्युग? अपने चरित्र में। इस समय दुनिया को ये मत बोलो सत्युग आने वाला है, उनके पास ताकत ही नहीं है आगे का सोचने के लिए, उनकी अभी की लाइफ क्या हुई है। उनको बोलो हमारा ये वाला जीवन सत्युग बन जाता है, फिर आएंगे। लेकिन बोलेंगे कैसे उसको बना के? तो करेंगे सेवा बिल्कुल योग्य स्थिति में। बाबा को बुलाया आज शाम को आपने? बुलाया बाबा को शाम को? आज आ सकता है बाबा? आ सकता है बाबा? तो एक और संकल्प क्रिएट करो कि हर एक जो आएगा ना उसके लिए आज का दिन और कल सुबह का दिन बाबा मिलन है। बाबा मिलन सिर्फ मधुबन में थोड़ी होता है। बाबा ने बोले बच्चे मुझे जहां प्यार से बुलाएंगे बाबा हाजिर, तो जहां बाबा हाजिर तो वो दिन कौन सा हो गया? बाबा मिलन हो गया। तो आज सारे जो बच्चे आएंगे और कल सारे जो बच्चे आएंगे उनका ये कौन सा दिन है? डायरेक्ट भगवान उनसे मिलेगा आज। ओके जी, थैंक यू, ओम शांति।